आज हम मानवीय आवाज को समझने का प्रयास करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमारे सिलेबस में सिर्फ आवाज एक शब्द में लिखा है, किंतु हमें इसे विस्तार से क्यों पढ़ना पड़ता है? हम आज इसी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हम एक ही देश पे रहते हैं, किंतु यहाँ पे आवाज़ों की इतनी भिन्नता क्यों है? तो हम इसका कारण जानेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्यों पर भौगोलिक जो दशाएं हैं और जलवायु है, वह अलग-अलग है। हर राज्यों की जलवायु और भौगोलिक स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग-अलग है। और साथ ही मानव की आवश्यकता के अनुसार हर घर की डिजाइन होती है, और उस परिवेश पर मिलने वाले आसानी से जो संसाधन हमको मिल जाते हैं, हम उसी से अपना घर बनाते हैं। फिर आप कहेंगे कि एक ही राज्य या एक ही परिवेश होने पर भी हमें दो अलग-अलग आवास के स्वरूप देखने को क्यों मिलते हैं? तो इसका कारण है आर्थिक स्थिति। हम आगे पढ़ेंगे कि परिवेश एक है, जलवायु भी समान है, किंतु वहाँ हमको घर का स्वरूप अलग-अलग देखने को मिलता है। इसका आर्थिक स्थिति एक कारण है। तो हम मोटे तौर पे ये समझे कि मानवीय जो आवास है, इसका भिन्न-भिन्न स्वरूप होने का कारण वहाँ की जलवायु है, मानव की आवश्यकता है, और वहाँ आसानी से मिलने वाले संसाधन हैं और आर्थिक स्थिति है। हम लद्दाख से केरल तक के सारे आवासों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लद्दाख से स्टार्ट करेंगे और ये पढ़ते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मानवीय आवास। आवास का शाब्दिक अर्थ वास होता है। किसी भी जीव का आवास वह कहलाता है जहाँ वह निवास करता है। आवास की आवश्यकता हमें भरण पोषण और सुरक्षा के लिए होता है। हर व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित महसूस करता है। प्रत्येक जीव के अस्तित्व के लिए आवास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवास का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। आप सिंधु घाटी सभ्यता के पिक्चर देखे होंगे, मध्यकालीन भारत के भी देखे होंगे, और आपके पूर्वजों के घर को आप जानते होंगे, और वर्तमान में जो घर का स्वरूप है उसको आप परिचित होंगे। इसलिए कहा गया है कि आवास का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। हम बेसिकली आवास को टू टाइप से डिवाइड किए हैं, एक स्थायी आवास और अस्थायी आवास। स्थायी आवास वे होते हैं जिसमें लोग निरंतर और स्थायी रूप से निवास करते हैं, और अस्थायी आवास वे होते हैं जिसमें लोग कुछ समय के लिए निवास करते हैं। हम सबसे पहले स्थायी आवास पढ़ेंगे, उसके बाद अस्थायी आवास पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लद्दाख के स्थायी आवास से स्टार्ट करेंगे और केरल तक जाएंगे। स्थायी आवास में लद्दाख का यह एरिया जिसमें लकड़ी और पत्थर के घर बने होते हैं। पत्थर के घरों की पुताई चूने से की जाती है जिससे इनका बचाव कीड़े से किया जा सके। वैसे घर के दो मंजिलें होती है। हर विशेषता खास है उस जलवायु की, लोगों की आवश्यकता के अनुसार। यह लद्दाख के घर हैं, आप इन्हें अच्छे से देखिए। यह चूने से पुती हुई हैं और यह जो घर में पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इस घर पे दो मंजिलें होती हैं। निचले मंजिले में जानवर पशुएं रहते हैं, ऊपले हिस्से में लोग रहते हैं, और छत की खास उपयोग की जाती है। मोटे दीवार हैं। इन मोटे दीवार पत्थरों के और लकड़ी की छत और फर्श होती हैं। इसका कारण यह है कि वहां की ठंड से बचने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। छतों में गर्मी के समय सब्जियां, उपले, अनाज, मिर्च वगैरह सुखाते हैं। सीताफल, मक्के ये सारे सुखाते हैं, और इसका प्रयोग ठंड के समय में इस्तेमाल करते हैं जब सब्जी और फल नहीं मिलते हैं। निचले हिस्से में जानवर रहते हैं। आपको पता होगा कि
जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ के लोग निचले हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ ज्यादातर खिड़कियां नहीं होती।